अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग लगातार बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। दरअसल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा जमीन पर न बैठे ये सुनिश्चित कर लिया जाए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले स्लाइड जैसे खेलने का साधन होना चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये आप अवगत ही हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीओ की मीटिंग हो चुकी है, और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है।